हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द दामाजिक गुरु चैनल आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के वेलकम लाइफ का प्रैक्टिस पेपर वन तो आइए पहले देख लेते हैं कि पेपर जो है वो किस तरीके का आएगा आपका आपको जो तो टाइमिंग दी जाएगी वो टू आवर्स की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो फिफ्टी मार्क्स का होगा ठीक है सेक्शन ए जो है उसमें आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे टेन क्वेश्चन होंगे टोटल और हर क्वेश्चन जो है वो वन मार्क का होगा तो टोटल तो सेक्शन ए जो है आपका टेन मार्क्स का होगा ठीक है नेक्स्ट जो है पार्ट बी आ जाता है पार्ट बी में आपको जो है वो दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे ठीक है जिसमें से फिल इन द ब्लैंक्स होगा और मैचिंग होगा और ये दोनों ही जो है वो फाइव फाइव मार्क्स के हैं ठीक है मतलब कि हर जो ब्लैंक जो है वो एक एक मार्क्स का है तो टोटल फिल इन द ब्लैंक्स फाइव मार्क्स के हैं और मैचिंग भी फाइव मार्क्स की है पार्ट सी जो है इसमें आपको बुक से कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे बेसिस पर आपको जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ठीक है और ये टोटल जो है वो टेन मार्क्स का होगा नेक्स्ट है आपका पार्ट डी जिसमें कि आपने जो है सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड्स में ठीक है और वो क्वेश्चन जो है वो फाइव नंबर का होगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपने जो है आपको थ्री क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसमें आपने सिर्फ टू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है हर क्वेश्चन जो है वो फाइव मार्क्स का होगा तो टोटल ये टेन मार्क्स का हो गया ठीक है सेवेंथ क्वेश्चन जो है उसमें आपने सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और वो क्वेश्चन जो है वो फाइव मार्क्स का है तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं पहले हम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग शुड वी हैव हमें किस तरीके की फीलिंग्स यानी कि भावनाएं जो है वो होनी चाहिए ठीक है तो प्यार का भरोसे का ठीक है फियर एंड हैप्पीनेस का यानी कि डर का भी होना चाहिए खुशी का भी होना चाहिए सरप्राइज का भी होना चाहिए तो सारे इमोशंस जो है हमें होने चाहिए सारी फीलिंग्स होनी चाहिए हाउ मैनी करियर ऑप्शन शुड अ पर्सन है थ्री ठीक है आपकी बुक से जो है वो दिया गया है ये सारे क्वेश्चन तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर रहे हैं हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर दियर इन पंजाब तो पंजाब में कितने विधानसभा क्षेत्र है तो आंसर है वन हंड्रेड सेवेंटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन प्रोवाइड प्रोवाइडर्स मींस ऑफ कम्युनिकेशन संचार के साधन हमें क्या क्या दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन भी देते हैं ठीक है अब संचार के साधन क्या आपका phone है, laptop है, 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 है आपका फोन लैपटॉप है इंटरनेट है आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं एंटरटेनमेंट भी करते हैं आपका आपको मनोरंजन करते हैं और नॉलेज भी देते हैं तो ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम डिड द ग्रीक नो पंजाब किस नाम से जो है वो ग्रीक्स जो है वो पंजाब को जानते थे तो वो जानते थे पेंटापोटामिया के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द लिमिटेड मीनिंग ऑफ द वर्ड पेन यानी कि दर्द शब्द का सीमित अर्थ क्या है तो इसका मतलब है जब हम अपने खुद के पेन को ही सिर्फ देखते हैं तो वो वर्ड पेन जो है वो उसका सीमित अर्थ है व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग शुड अ पर्सन हैव एक इंसान में किस तरीके की सोच जो है वो होनी चाहिए तो क्रिएटिव रचनात्मक सोच होनी चाहिए लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इमोशन हैज डैश अफेक्ट अगर हमारे कंट्रोल हमारे जो इमोशंस है उस पर अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा बुरा प्रभाव पड़ेगा हाउ प्रॉब्लम कैन बी सोल्व प्रॉब्लम को किस तरीके से जो है वो सोल्व किया जा सकता है कंसेंट्रेशन के थ्रू ठीक है कॉन्फिडेंस भी होगा तभी सॉल्व कर पाओगे सब्र रखना पड़ेगा तो ऑल ऑफ द एब learned फ्रॉम डॉग्स डॉग्स से किसने सीखा ये स्टोरी आपकी बुक में दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर है रॉबिन नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन बी जिसके अंदर की आपने जो है वो टेन क्वेश्चन के आंसर करने हैं और वो वन मार्क्स का है ठीक है तो टोटल जो है वो टेन मार्क्स का हो गया सबसे पहले आपका फिल इन द ब्लैंक्स स्ट्रेस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डैश डिजीज जो स्ट्रेस है वो दिल की बीमारियों का रिस्क जो है वो बढ़ा देता है द पर्सन शुड ऑलवेज कीप पॉजिटिव थिंकिंग एक इंसान को हमेशा सकारात्मक सोच जो है वो रखनी चाहिए फियर इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल डर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है जेलेसी इज ए नेगेटिव इमोशन जेलेसी जो है यानी कि जो जलन है वो नकारात्मक जो है वो आप कह सकते हो इमोशन है विदाउट कोऑपरेशन सोसाइटी कैन नॉट रन बिना सहयोग के सोसाइटी यानी कि समाज जो है वो नहीं चल सकता मैचिंग की है हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है बैकवर्ड थिंकिंग ठीक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब लैंगिक भेदभाव ठीक है कि वो लड़का है लड़की इस तरीके का भेदभाव जो है वो पिछड़ी सोच को दर्शाता है क्रिएटिव क्या है थिंकिंग सोच ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसी है चैलेंजेस से भरी हुई चुनौतियों से भरी हुई फुल ऑफ चैलेंजेस महाभारत में कौरवास एंड पांडवास थे गेम कौन सा है इसमें कोटला छपाकी ठीक है नेक्स्ट आपका सेक्शन सी इसमें जो है वो आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो 2-2 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चन हैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग से आप क्या समझते हो ये जो है आपने उसमें से करना है ये आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया है कॉम्प्रिहेंशन में से ही आपने आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं ठीक है थीके? तो क्रिएटिव क्रिएटिव थिंकिंग थिंकिंग से आप क्या समझते हो? वी हैव अ टेंडेंसी टू डू समथिंग न्यू यूनिक एंड ओरिजिनल तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कि हमारे पास जो है वो काबिलियत है कुछ नया करने की कुछ अलग करने की और कुछ अनोखा करने की ठीक है हाउ अ पर्सन विद अ क्रिएटिव माइंड सेट यूजेज इट्स क्वालिटी रचनात्मक सोच वाला व्यक्ति जो है वो अपने गुणों को किस तरीके से इस्तेमाल करता है तो अ पर्सन विद क्रिएटिव माइंड सेट यूजेस दिस क्वालिटी टू डेवलप हिमसेल्फ एंड गेन सोशल रिस्पेक्ट वो खुद को डेवलप करने में इस क्वालिटी को इस्तेमाल करता है खुद को विकसित करने में और वो समाज में इज्जत और सम्मान भी पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सजेस्ट अ वे बाय विच पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन कैन बी रिफाइंड तो आपने एक तरीका बताना है जिस तरीके से जो है एक इंसान की जो आप कह सकते हो पर्सनैलिटी है उसको जो है वो निखारा जा सकता है तो बाय डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग इन अ पर्सन अगर हम उस इंसान में क्रिएटिव थिंकिंग रचनात्मक सोच को जो है वो विकसित कर दे तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो रिफाइंड हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव फोकस कैन बी फाउंड क्रिएटिव फोकस जो है वो कहाँ पे पाया जा सकता है क्रिएटिव फोकस कैन बी फाउंड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ आर्ट और लिटरेचर बट ऑल्सो इन पीपल एसोसिएटेड विद एनी फील्ड तो क्रिएटिव जो फोकस है वो कहीं पे भी ठीक है वो सिर्फ ना आर्ट और लिटरेचर के इस क्षेत्र में बल्कि वो कहीं पर भी जो है वो देखा जा सकता है अब आर्ट और लिटरेचर के क्षेत्र में जैसे कि कहानी लिखना है पोयम लिखना है तो लोगों को लगता है यहीं पर जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग दिखाई जा सकती है बट ऐसा नहीं है हम किसी भी फील्ड में क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो दिखा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज आर मैनिफेस्टेड इन अ पर्सन हैविंग क्रिएटिव थिंकिंग तो किस तरीके के आइडियाज जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग वाले इंसान के दिमागों में आते हैं इन अ अ ह्यूमन क्रिएटिव आर ऑलवेज न्यू आइडियाज आइडियाज एंड द वे टू एक्सप्रेस इज यूनिक तो उनके दिमाग में हमेशा नए आइडिया आते हैं और जिस तरीके से वो लोगों को अपने आइडियाज बताते हैं वो भी अनोखा होता है तो इसका कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आप बैक साइड में जाकर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन पेपर का ठीक है और उसके बाद आप इसको सॉल्व करके देखना नेक्स्ट आपका सेक्शन डी इसमें आपसे तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं पहला जो है सेक्शन उसमें आपने जो है पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो फाइव मार्क्स का है ठीक है नेक्स्ट में आपने टू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो भी फाइव फाइव के हैं टोटल टेन हो जाएगा और थर्ड वाले में आपने सिर्फ वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो भी फाइव मार्क्स का हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि सेंसिटिव इश्यूज क्या होते हैं सेंसिटिव इश्यूज इश्यूज विच आर रिलेटेड विद सीरियस इश्यूज तो सेंसिटिव इश्यूज जो होते हैं ठीक है वो वो मुद्दे होते हैं जो कि काफी गंभीर मुद्दे होते हैं और जिनको कि सॉल्व करना सबके बस की बात जो है वो नहीं होती ये जो सेंसिटिव इश्यूज है ये हमारे घर से संबंधित हो सकते हैं हमारे परिवार से हमारा खुद का पर्सनल हो सकता है हमारी लैंग्वेज के जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है दीज इश्यूज कैन नॉट बी सॉल्व रफली हम इनको रफली सॉल्व नहीं कर सकते इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें पेशेंस दिखाना पड़ेगा सहनशीलता दिखानी पड़ेगी ठीक है और प्रॉपर और गुड नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए अच्छी और प्रॉपर नॉलेज कंप्लीट नॉलेज हमारे पास उस टॉपिक पे होनी चाहिए या तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है विच इम्प्रूवमेंट डू यू वॉन्ट टू इनकलकेट इन योर आप अपने अंदर कौन सी जो है वो चेंजेस या सुधार लाना चाहते हो तो आंसर है आई शुड कीप माई सेल्फ इन डिसिप्लिन मैं खुद को डिसिप्लिन में रखूंगी ताकि मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकूं ठीक है इसके अलावा मैं टीचर की जो उम्मीदें हैं मेरे साथ मैं उसको पूरा कर सकूं ठीक है ये आंसर्स जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं आई विल वर्क हार्ड सो देट आई कैन गेट गुड मार्क्स एज वेल एज आई कैन हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक मैं बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करके पढ़ाई जो है वो करूंगी ताकि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकू और इसके साथ ही साथ मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं जिनको कि वो टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वट हैपन इफ अ पर्सन माइंड इज लॉक्ड क्या होगा अगर एक इंसान का दिमाग जो है वो लॉक है इफ अ पर्सन माइंड इज लॉक्ड ही वुड बी अरो माइंडेड पर्सन अगर एक इंसान का दिमाग जो है वो बंद है ठीक है लॉक मतलब बंद ठीक है तो बंद है तो वो संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति होगा ही ऑलवेज रिमेन्स नाखुश रहेगा सच पर्सन बिकम टॉक्सिक एंड स्प्रेड्स नेगेटिविटी अराउंड तो इस तरीके का इंसान जो होते हैं वो जहरीले किस्म के होते हैं ठीक है और ये अपने आसपास जो है वो नकारात्मकता फैलाते हैं दिस टाइप ऑफ पर्सन फेल्स टू मेंटेन मेंटेन रिलेशन विद अदर्स बिकॉज ही और शी इज नेवर रेडी टू वेलकम होल हार्टेडली अदर्स व्यू पॉइंट एंड क्रिटिसिज्म फॉर हिज ओन आइडियोलॉजी तो इस तरीके के

तो एक साल के बाद आप कौन कौन सी फैसिलिटीज चाहते हैं ठीक है और कितनी चाहते हैं तो आफ्टर वन ईयर आई वॉन्ट टू हैव द फॉलोइंग एक साल के बाद मैं ये सारी चीजें चाहती हूँ अ स्मार्टफोन टू स्टडी प्रॉपरली एक स्मार्टफोन चाहती हूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकू अ स्कूटी टू ड्रॉप माय मदर टू हर ऑफिस एक स्कूटी चाहती हूँ ताकि मैं अपनी मदर को जो हैचन गार्डन फॉर परसुंग माइ हॉबी टू ग्रो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक बड़ा सा किचन गार्डन जो है वो चाहती हूँ ताकि जो मेरी हॉबी है गार्डनिंग करने की ठीक है उसको पूरा कर सकू और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है यानी जिस की जिसमें फर्टिलाईज मतलब की आप कह सकते हो केमिकल वगैरह नहीं यूज किया था ऐसी फार्मिंग में वो मैं कर सकू And a good and positive environment around me. और अपने जो है वो, एक अच्छा और जो है वो बना सकू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वट आर द फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस फेल्ट वेन यू आर स्ट्रेस आप जब स्ट्रेस फील करते हो तो क्या क्या फिजिकल और मेंटल चेंजेस जो है यानी कि शारीरिक और आप कह सकते हो मानसिक बदलाव जो है वो कौन कौन से आएंगे बैड इफेक्ट ऑन अवर बॉडी स्ट्रेस का हमारी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है ये हमें फिजिकली और मेंटली जो है वो कमजोर बनाते हैं हमारा हर्ट बीट बढ़ जाता है हमें जो है वो अनिद्रा की शिकायत हो जाती है मतलब नींद नहीं आती प्रॉपर पसीना आता रहता है ठीक है जो स्ट्रेस होता है वो हम में मोटापे को बढ़ाता है पेट में दर्द की शिकायत रहती है सिर दर्द रहता है सांस की प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है दिल की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां जो है वो हो जाती है तो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करने में हमारी काफी सारी एनर्जी लगती है इसके अलावा जो है ये हमें काम करने से रोकते क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता हमारा काम में ध्यान नहीं लगेगा तो हम काम सही से नहीं कर पाएंगे और हमें हमारी जिम्मेदारियों से पीछे करती है अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट है हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ मिसकनप्शन हम मिसकनसेप्शन से यानी कि गलत फहमी से कैसे बच सकते हैं वी कैन गेट रिड ऑफ मिसकनसेप्शन बाई एडोप्टिंग रेशनल थिंकिंग अबाउट एनीथिंग वेदर इट इज राइट और रॉन्ग तो हम इस गलत से बच सकते हैं अगर हमारी जो है वो रेशनल थिंकिंग होगी यानी कि तर्क संगत सोच होगी हम तर्क लगाकर जो है वो चीजों को सोचेंगे कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है टू गेट रेड ऑफ द इवल वी शुड ट्रस्ट ऑन वर्क तो इस तरीके की बुराइयों से बचने के लिए हमें कड़ी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए और नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए वी शुड कंसिडर द रीजन बिहाइंड मिसकेप्शन तो ये जो गलत फहमिया जो है वो पैदा हुई है इसके पीछे रीजन क्या है हमें उस रीजन की यानी कि कारण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन एंगर बी कंट्रोल कि आप गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है फाइव पॉइंट्स जो है वो लिखे जा सकते हैं ठीक है तो टू कंट्रोल एंगर फॉलो दीज स्टेपर को कंट्रोल करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है, हर के प्रति आशावादी जो है वो अपना ठीक है? अच्छी बुक्स पढ़ो लंबी सान तक की काउंटिंग करो एक लंबे वॉक पे चले जाओ या फिर जो है वो रन पे रनिंग पे चले जाओ जो जो, जो चीज आपको जो है वो ज्यादा परेशान करती है उनके बारे में सोचना जो है वो बंद कर दो यहाँ पर ये आपका प्रैक्टिस पेपर जो है वो खत्म हो जाता है आई होप ये सारा जो प्रैक्टिस पेपर है आपको क्लियर हो गया होगा इनकेस कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो कमेंट कीजिए आपको रिप्लाई मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच